अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर करती हूँ अपनी कुकिंग रेसिपी पे। मेरी फेवरेट चिकन कढ़ाई की रेसिपी है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है हाफ चिकन, और ऑयल को गर्म करने के बाद मैं इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ। इससे इसका अरोमा अच्छा हो जाता है, स्टार्टिंग में ही टेस्ट आ जाता है। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपने चिकन के पीसेस। चिकन के सारे पीसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, अब मैं इसको सॉटे कर रही हूँ। अब देखिए कि मेरा चिकन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, गार्लिक पेस्ट। इसको सॉटे कर रही हूँ, एटलीस्ट वो जो जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए और उसके अरोमा के लिए। अभी देखिए मैंने इसमें प्याज अभी तक ऐड नहीं किया था, अभी इस चिकन का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। मैंने दो मीडियम प्याज लिए थे, बहुत बड़े नहीं थे, छोटे साइज़ के थे, मतलब स्मॉल मीडियम साइज़ के प्याज थे। अब देखिए कि चिकन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसमें चारों मसाले ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर मतलब धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड किया है क्योंकि यहाँ लाल मिर्च जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अब मैं इन सब मसालों को सॉटे कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, मैंने ज़्यादा देर से नहीं डाले, मैंने जल्दी ही डाल दिए मिक्स करने के बाद, ताकि वो जितना ज़्यादा टाइम लेंगे पकने का उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, टेस्ट ऐड भी होगा और वो घुल भी जाएंगे टमाटर। मसाला ताकि लग ना जाए, आप साथ साथ उसमें पानी ऐड करते जाएं थोड़ा थोड़ा करके, इस तरह मसाला जो है वो लगेगा भी नहीं और घुल भी जाएगा जल्दी, खड़ा नहीं रहेगा। मैं हर थोड़ी देर के बाद आधा ग्लास या 2-3 टेबलस्पून पानी के ऐड कर देती हूँ। अब मैंने इस टाइम पे एट दिस पॉइंट मैंने 1 टेबलस्पून इसमें चिकन कढ़ाई मसाला ऐड किया था मेहरान का। मैंने पहले नहीं ऐड किया, इस टाइम पर ऐड किया था। ये मैंने 2 टेबलस्पून दही में 1 टेबलस्पून दूध का ऐड करके उसको अच्छी तरह से फेंट लिया था और उसके बाद मैंने इसको अब ऐड कर दिया है। अब देखिए कि मसाला मेरा और टोटली मिक्स हो चुका है, बिल्कुल खड़ा नहीं है, सब कुछ अपनी जगह पर है। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, 1 ग्लास पानी ऐड किया मैंने हाफ चिकन के अंदर। मुझे जितना मसाला चाहिए था मैंने उतना ऐड किया, आपको जितना मसाला चाहिए आप उतना ही पानी ऐड कीजिए क्योंकि चिकन बिल्कुल गल चुका है। इसमें अब मैंने कसूरी मेथी डाली है क्योंकि मुझे कसूरी मेथी पर्सनली इसका टेस्ट बहुत पसंद है। अब अगर आप चाहते हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो आप मत ऐड कीजिए। आप मैंने इसको कवर करके लो फ्लेम पर रख दिया है 10 मिनट्स। अब देखिए कि अब इसमें दही भी आ गई है और इस टाइम पर मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है। मेरा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है, मैंने इसमें छोटा अदरक काट कर वो भी डाल दिया। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी, क्विक इजी रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए आपने ट्राई की या नहीं, आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे सेफ, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमतें रखे, सबको महफूज रखे, अपने घरों में आप सबको अपने ईमान में महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।